नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत करेंगे उस खबर की जिसकी चर्चा लगातार बीते दिनों से हम रोज कर रहे हैं। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच बढ़ते तनाव के बीच आज दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर के अधिकारियों की बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि बैठक LAC पर चीन की तरफ मोल्डो में हो रही है, और ये भी जानकारी आ रही है कि चीन की तरफ से बातचीत की पेशकश की गई थी। 6 जून के बाद ये दूसरी दफे है जब दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है, और इस बैठक में दोनों तरफ सैनिकों की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। माना यह जा रहा है कि दोनों तरफ से सैन्य अधिकारी सीमा पर बने तनाव को कम करने की दिशा में बातचीत करेंगे। इससे पहले भी दोनों सेनाओं की तरफ से कमांडर स्तर की बातचीत हो रही थी, लेकिन लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के झड़प के साथ जो घटना सामने आई जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद होने वाली ये बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है। इस बीच लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे विवाद के बीच भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया लेह और श्रीनगर का दौरा कर चुके हैं, जबकि सीमा विवाद के मद्देनजर वायुसेना ने अपने हवाई ठिकानों पर लड़ाकू विमानों और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की तैनाती बढ़ाई है ताकि समय आने पर पूर्वी लद्दाख में किसी भी अभियान को अंजाम दिया जा सके। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और लगातार 5 जून की वो जो घटना हुई है और उस घटना के बाद से ही ये फौरी तौर पर रियलाइज़ किया गया है कि अगर सुरक्षा चौकसी को नहीं बढ़ाया गया तो चीज़ें और बदल सकती है। इसी के तहत कोर कमांडर की बातचीत बहुत अहम है, इसके मायने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की झड़प हुई है उसके बाद हमारे 20 जवान जिस तरह से शहीद हुए हैं, इस बातचीत को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा जानकारी आपको देना चाहती हूं। वो जानकारी है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगातार गहराता हुआ दिखा बीते दिनों। इधर भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया लेह और श्रीनगर का दौरा भी कर चुके हैं बीते हफ्ते, जबकि सीमा विवाद के मद्देनजर वायुसेना ने अपने हवाई ठिकानों पर लड़ाकू विमानों और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की तैनाती बढ़ाई है। और दूसरी तरफ जिन लोगों को कोरोना हो जाए उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली में लगभग 25,000 एक्टिव केसेस हैं, 33,000 लोग ठीक होके अपने अपने घर जा चुके हैं, 25,000 लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी कोरोना है। अस्पतालों में इस टाइम 6,000 के करीब लोग हैं और 12,000 के करीब लोगों का उनके घर के अंदर इलाज चल रहा है। आज जैसा मैंने बताया दिल्ली में 25,000 एक्टिव केस हैं। आज से ठीक एक हफ्ता पहले दिल्ली में 24,000 एक्टिव केस थे, एक हफ्ते के अंदर केवल 1,000 एक्टिव केस बढ़े। इसका मतलब लगभग जितने लोग बीमार ठीक हो रहे हैं उतने ही लोग बीमार हो रहे हैं। एक तरह से फिलहाल ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है। पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग बहुत बड़े स्तर पर टेस्टिंग 3 गुना कर दी है, 3 गुना से भी ज्यादा हमने टेस्टिंग कर दी है। बीच में लोगों को अपना टेस्ट कराने में दिक्कत आ रही थी, मैं समझता हूं कि अब आपको टेस्ट कराने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। पहले लगभग 5,000 टेस्ट डेली किए जाते थे, अब डेली 18,000 के करीब टेस्ट डेली हो रहे हैं। बीच में कुछ लैब्स ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, उन लैब्स के खिलाफ हमने एक्शन लिया, क्योंकि गलत काम तो किसी को नहीं करने दिया जा सकता। कुछ लैब्स ऐसी थी जो कि नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव दिखा रही थी जब उनकी चेकिंग की गई। तो अब सारी लैब्स को सख्ती के साथ कहा गया है कि सही काम करना है और पूरी कैपेसिटी के ऊपर काम करना है, खूब टेस्ट करने हैं।
केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली में एंटीजन टेस्ट भी शुरू किए गए हैं। एंटीजन टेस्ट रैपिड टेस्ट होता है, 15 मिनट में आधे घंटे में पता चल जाता है। तो इस टाइम दिल्ली के अंदर लगभग 18,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब आपको अपनी टेस्टिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों का इलाज हम घर पे करते हैं, जो लोग माइल्ड होते हैं, कम बुखार है, थोड़ी सी खांसी है या कोई सिम्टम नहीं है, ऐसे लोगों का इलाज उनके घर में ही रह के किया जाता है। उसमें हम डेली, हमारी टीम उनको फ़ोन करती है, उनसे हालचाल पूछती है, बुखार तो नहीं हुआ, और उनको एडवाइस देती है कि क्या क्या करना है। अब हम इसमें कोरोना में हमने देखा कि एक ही चीज़ की समस्या सबसे ज़्यादा होती है कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, मरीज को ब्रेथलेसनेस दे होती है, और मरीज को तुरंत ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मरीजों को सही टाइम पे तुरंत ऑक्सीजन मिल जाए तो कई मरीजों को बचाया जा सकता है। तो इसके लिए अब हमने क्या किया है कि जितने अब होम क्वारंटाइन के केसेस होंगे, होम आइसोलेशन के, दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सी पल्स मीटर देगी। आप उस पल्स मीटर को अपने घर रखिए, जब आप ठीक हो जाएं सरकार को वापस कर दीजिए 10 दिन के बाद। उस पल्स मीटर से आप हर घंटे में, 2 घंटे में आप अपनी ऑक्सीजन नापते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम होती है, हम आपको एक फ़ोन नंबर दे देंगे, उस पर फ़ोन कर दीजिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं, तुरंत हमारी टीम कॉन्सेंट्रेटर लेके पहुंच जाएगी जल्द से जल्द, और आपको तुरंत आपके घर में ऑक्सीजन दे दी जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कई बार हमने देखा है कि ऑक्सीजन तुरंत न मिलने की वजह से अस्पताल में शिफ्ट करने तक इतने में ही कई बार मरीज कभी कभी कोलैप्स कर जाता है। तो इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हम लोग ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कॉन्सेंट्रेटर पहले तुरंत आपके घर पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आपको समय पे ऑक्सीजन मिल सके और आपको कंट्रोल किया जा सके, फिर आपको अस्पताल ले जाएंगे और अस्पताल में आपका इलाज किया जाएगा। 12 जून को दिल्ली के सारे अस्पतालों में मिला के 5300 बेड्स भरे हुए थे। आज की डेट में 6200 बेड भरे हुए हैं। तो लगभग 10 दिन में केवल 900 बेड भरे। इन 10 दिनों में 23,000 नए मरीज आए। 23,000 नए मरीजों में से केवल 900 बेड्स की जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा बेड्स की जरूरत पड़ी। इसके दो मायने हैं, एक तो ये कि जितने लोग अस्पताल में एडमिशन ले रहे हैं उतने ही लोग लगभग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं, और दूसरा ये कि जितने नए केस आ रहे हैं इनमें सीरियस केस बहुत कम हैं, माइल्ड केस और एसिम्टोमेटिक केस ज़्यादा हैं जिनका हम घर पे इलाज कर रहे हैं, सीरियस केस बहुत कम हैं जिनको अस्पतालों की जरूरत पड़ रही है। तो लगभग बेड्स की स्थिति ऐसी है कि डेली बेसिस पे 150 एक्स्ट्रा बेड्स की जरूरत पड़ती है। उतने बड़े स्केल के ऊपर बेड्स की फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे। मुझे बेहद खुशी है कि आज की डेट में एक तरफ जहां 6200 बेड ऑक्यूपाइड हैं, 7000 बेड खाली हैं। बीच में थोड़ी सी बेड की मारामारी हुई थी, लेकिन हमने युद्ध स्तर के ऊपर सारे अस्पतालों से बात करके, सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में आपके लिए बेड्स का इंतजाम किया है। आज की डेट में 7000 बेड्स खाली हैं। इस दौरान हमें केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके दिल्ली में कोरोना को काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय आपस में लड़ाई झगड़े का नहीं है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, और अगर हम मिलके लड़ेंगे कोरोना से तो कोरोना को हरा सकते हैं। आज पूरा देश चाइना के खिलाफ
दो युद्ध लड़ रहा है, एक चाइना के द्वारा भेजे गए वायरस के खिलाफ और दूसरा चाइना के खिलाफ बॉर्डर के ऊपर युद्ध लड़ रहा है। वायरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, ये सब युद्ध लड़ रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। आज पूरा देश हमारे डॉक्टर्स के साथ एक तरफ खड़ा है और हमारे दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है, और इन दोनों युद्धों को हमें पूरे देश को मिलकर लड़ना है। इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, सारे देश को एक होके कोरोना के खिलाफ भी युद्ध लड़ना है और चाइना के खिलाफ भी हमें युद्ध लड़ना है। हमारे 20 जवान पीछे नहीं हटे, हम पूरे देश भी पीछे नहीं हटने वाला। जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक देश पीछे नहीं हटेगा। जय हिंद। तो अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें, दिल्ली में कोरोना के 25,000 मरीज हैं, उन्होंने आगे इस लड़ाई को किस तरह से लड़ा जाएगा उसका रोड मैप दिया, साथ ही अभी 6,000 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, इस डेटा को शेयर किया। भारत चीन सीमा विवाद पर जारी तनाव के बीच इस वक्त गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक चल रही है। एक हफ्ते के अंदर ये भारत चीन सीमा पर दूसरी अहम बैठक है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में भारत चीन सीमा पर जल्द से जल्द सड़क निर्माण के काम को पूरा करने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। बैठक में सीमा पर सड़क बनाने के जिम्मे को संभालने वाले संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ITBP, CPWD और गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, बैठक को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, इसमें बैठक में लगातार चर्चा चल रही है और 32 ऐसी सड़कें हैं जिन पर जल्द ही काम पूरा होना है, तो ये सहमति बनी है कि इनको न केवल तय समय सीमा पे बल्कि पहले इनको पूरा किया जाएगा, और इसके अलावा 12 रोड है इसको साल के अंत तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जो सीमावर्ती गाँव है चीन सीमा से सटे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास है उस पर पूरी तरीके से उस पर जोर दिया जाएगा, और वहां पर शिक्षा, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं और वहां पर कनेक्टिविटी को लेकर सारी सुविधाएं वहां पर बढ़ाई गई हैं। तो ये अहम चीजें हैं यहां पर, इस पर चर्चा हो रही है और एक सिलसिलेवार तरीके से हर एजेंसियां अपना पक्ष रख रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि अब वहां पर वहां के काम को और ज्यादा तेजी मिलेगी। जी अमित, आप बने रहिएगा, आगे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे आपसे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दो सैनिक ढेर किए हैं और पाकिस्तान की सेना की एक पोस्ट तबाह कर दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दो सैनिकों को ढेर किया है और पाकिस्तान की सेना के एक पोस्ट को तबाह कर दिया है। लगातार बॉर्डर पर इस तरह की गतिविधियां जारी है जहां पहले शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है लेकिन भारत इसका पुरजोर जवाब देता है। पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या अपडेट दो सैनिकों के ढेर होने जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और उनकी पोस्ट को तबाह होने को लेकर? बिल्कुल, देखिए, पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में आज सुबह ही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू की गई थी। लगभग 5 बजे के करीब हैवी मोर्टार शेलिंग और हैवी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। और उसी इलाके में अगर हम बात करें कि कृष्णा घाटी सेक्टर के, उस पर एक फॉरवर्ड पोस्ट को तबाह किया गया जिसमें 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिक जो है मारे जाने की खबर है और कई सैनिक जो है वो उसमें घायल हुए हैं। फिलहाल जो खबरें आ रही है कि 2 पाक सैनिक उसमें मारे गए हैं और 3 से ज्यादा सैनिक जो है वो घायल हुए हैं। एक फॉरवर्ड पोस्ट को डैमेज किया गया है जो भारतीय सेना की कार्रवाई हुई है, क्योंकि इसी इलाके से पाकिस्तानी सेना जो थी वो लगातार भारतीय सेना के ठिकानों को टारगेट कर रही थी। जी पवन, लगातार आपसे हम जुड़ते रहेंगे। इधर चीन सीमा विवाद पर पीएम और सरकार को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने नसीहत कुछ दी है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उस पर पलटवार किया है। उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान को महज शब्दों का खेल बताया और कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद पर कांग्रेस के नेताओं के बयानों पर देश की जनता भरोसा नहीं करेगी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान सिर्फ शब्दों का खेल है। अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के व्यवहार और कार्यों की वजह से किसी भी भारतीय को ऐसे बयानों पर भरोसा नहीं होगा। याद कीजिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा सेना पर सवाल उठाती है और उनका मनोबल गिराती है। भारत पूरी तरह पीएम पर भरोसा करता है और उनका समर्थन करता है।
और इससे पहले चीन सीमा विवाद पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सरकार और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने चीन विवाद पर पीएम को शब्दों के चयन में सावधान रहने की नसीहत देते हुए कहा कि हम सरकार को आगाह करना चाहेंगे कि झूठा प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झूठ के आडंबर से सच को नहीं दबाया जा सकता। साथ ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि इस मौजूदा हालात में पूरे देश को एकजुट होकर जवाब आप देना चाहिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की नसीहत के बहाने राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन विवाद पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए, मैं आशा करता हूं कि पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने चीन विवाद पर सरकार पर उस वक्त हमला बोला है जब इस मुद्दे पर राहुल गांधी पहले ही लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन से हुई झड़प के मुद्दे पर पीएम को निशाने पर लिया है और एक बार फिर ट्वीट किए हैं, और इससे पहले भी वो ट्वीट कर चुके हैं कई, जिनमें उन्होंने चीन विवाद पर हुई सर्वदलीय बैठक में दिए बयान पर भी पीएम को घेरने की कोशिश की। तो एक बार फिर से वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी का, जिन्होंने लगातार बीते कुछ दिनों से चीन के मसले पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की है और सर्वदलीय बैठक के बाद भी उन्होंने एक के बाद एक कई सवाल पूछ लिए हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चीन सीमा विवाद पर ट्वीट के जरिए लगातार पीएम को घेरने की कोशिश की और राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। मुझे लगता है कि इस परिवार को, अपने 50 साल के इस पप्पू को किसी पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में डाल देना चाहिए। जब तक इस 50 साल के अपने पप्पू को ये परिवार पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में प्रवेश नहीं दिलाएगा, तब तक इसी तरह से सामंती सुरूर और लंपटी लफाजी दूर नहीं होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश की संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, शालीनता क्या है और देश में क्या हो रहा है, अभी भी उससे अनजान है, हवा हवाई बातों पे ज़्यादा यकीन करते हैं और हवा हवाई बातों के आधार पर हंगामा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात वही कर सकता है जिसको कि बिल्कुल अज्ञानता हो, जो जिसका दिमाग अज्ञानता से भरा हो और जो बिल्कुल ज़मीन की हकीकत को समझ ना पा रहा हो। बीजेपी ही नहीं, वहीं जेडीयू ने भी संकट के समय राहुल गांधी को भाषा का सोच समझ कर इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। राहुल गांधी ने जिस नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहना, ये प्रधानमंत्री पद पर कितना बड़ा चोट आप मानते हैं? नहीं, ऐसे संकटकालीन दौर में ऐसे शब्दों का, ऐसे मुहावरों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये चुनाव की भाषा है। जनरल वीके सिंह की चीन जो है दोनों देशों के बीच अपने व्यवहार से विश्वास का हनन करता है और युद्ध अंतिम विकल्प है, बाकी बहिष्कार हमें अपनाने चाहिए। मैं श्री वीके सिंह से सहमत हूँ, युद्ध अंतिम विकल्प होता है। और चीन के साथ सीमा विवाद पर जारी घमासान के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में होने वाले विक्ट्री डे परेड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज मॉस्को रवाना हो गए। 24 जून को दूसरे विश्व युद्ध की जीत की 75वीं सालगिरह है। पहले ये परेड 9 मई को होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 जवान इस विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री के रूस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री रूस जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट उनका होगा कई बिंदुओं से। पहला, कूटनीति स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे राजनाथ सिंह जरूर ये जानना चाहेंगे कि यदि लड़ाई छिड़ती है, यदि स्थिति खराब होती है तो रूस कहाँ खड़ा है, क्या हम उनके फुल सपोर्ट पे अपना विश्वास आधार कर सकते हैं। रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हर एक विपदा में और जो स्थिति खराब स्थिति में रूस हमारे साथ खड़ा रहा है। रूस हमारा इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट का बहुत बड़ा सप्लायर रहा है। गुजरात में जिस तरह के हालात हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। गुजरात के मांडवी में हुई लगातार बारिश के बाद वहां सड़कों पर पानी भर गया है। सड़कों पर भरे पानी को देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हैं। इन दौरान दुकानों और मकानों में भी पानी भर गया है।
भारी बारिश की वजह से सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आईं। इस दौरान जो लोग बाहर निकले वो कमर तक भरे पानी में डूबे दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले आप स्क्रीन पर देख भी रहे थे। भारी बारिश की वजह से बाजार भी पूरी तरह देखे किस तरह से कमर तक पानी भरा हुआ है और बाजारों को भी बंद करना पड़ा है। इतनी ज्यादा बारिश इस वक्त गुजरात में देखी जा रही है और ये असर देखिए, कमर से ऊपर तक लगभग पानी भर चुका है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, भारी बारिश से पानी भर गया है, सड़कें तालाब बन गई हैं। जहां तहां नजर डालिए, अगर ये दुकानें और ये घर ना हो तो ऐसा लगे कि आप किसी नदी के पास बैठे हैं या वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं। लेकिन देखिए, लोगों की कमर तक पानी भरा हुआ है और इन लोगों की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। अगर कहीं गड्ढा होगा तो उनको चोट भी लग सकती है, लेकिन मजबूरी क्या ना करवा दे कि अपनी खुशी से ज़रूर बाहर नहीं निकले होंगे, कुछ काम होगा तभी बाहर निकले होंगे। लेकिन ये तस्वीरें वाकई में बता रही है कि गुजरात में किस कदर पानी बारिश का भरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ बारिश हुई है, जिसके बाद हाल ये हो गए हैं। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश हुई है, जिस वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। कच्छ के मांडवी में तेज बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। वहां पर कई जगह तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मांडवी के निचले इलाकों में पानी भर गया है, कई जगह लोगों के मकान में पानी भर गया है, जिससे वहाँ रखा सामान पूरी तरह से पानी में भीग गया है। तस्वीरें देखिए, लोगों के जो घर हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। अभी तक तो हम तस्वीरें आपको कमर तक पानी के दिखा रहे थे, अब देखिए लोगों के सिर्फ ऊपर, गर्दन से ऊपर का ही हिस्सा दिख रहा है, इस कदर पानी भरा हुआ है। लोग कई तो ऐसे हैं जो इस मौसम में, इस बारिश में, इस भरे हुए पानी में तैराकी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए मुश्किल है। हालांकि ये कुछ हंसी के पल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन समझिए कि इस कदर पानी भरा होगा तो किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा होगा। गाड़ियां निकल तो रही हैं वहां से, लेकिन ये गाड़ियां कब रास्ते में बंद हो जाएगी कोई नहीं कह सकता है। और इस तरह से पानी को चीरती हुई ये गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, मकानों में पानी भर गया है। सोचिए जहाँ पर लोगों को खाने पीने की कितनी दिक्कतें यहाँ पर हो रही होंगी, और जो छोटे बच्चे होंगे, जो अमूमन लोग दिख रहे हैं वो सड़कों पर, वो तो पुरुष हैं या महिला हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो इस पानी में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। गुजरात के द्वारका में तेज बारिश की वजह से नदी के पानी में उफान आया हुआ है। एक इलाके में नदी का पानी 2 घंटों की बारिश में अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। इस बीच पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें पानी की बड़ी टंकी बहती दिखी, जबकि सड़क के ऊपर से पानी बहने की वजह से 2 इलाकों का संपर्क भी टूट गया। तो देखिए, ये पानी की टंकी जो अमूमन लोगों की छतों पर रहती है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये टंकी भी उस पानी के बहाव के साथ बहती चली गई। गुजरात के द्वारका की ये तस्वीरें हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई उफनती नदी है और उसके बीच से ये पानी की टंकी इस तरह से बहती चली जा रही है। दरअसल ये हाल है तब जब 2 घंटे की बारिश के बाद नदी उफान पर आ गई है, सड़क पर पानी से रास्ते बंद हो गए हैं, तेज बारिश से नदियों में उफान है। लोग जो खड़े हैं वो इस तरह के नज़ारों को कई बार फ़ोन में कैद भी कर ले रहे हैं, और मुमकिन है कि अगर ये इस तरह से बहाव चलता रहा तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन राहत अभी लोगों के लिए यही है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन नदियां उफान पर है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों को बहुत ज़्यादा आम जो रोज़ाना के काम है उन्हें निपटाने में बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं। चलिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ भी भारी बारिश हुई है, जिसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से रास्ते पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, जिससे लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई हैं। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से सड़कें भी बह गईं, जिससे वहाँ से गुजरने वाले लोग परेशान दिखे। इस दौरान कई लोग कमर तक भरे पानी में डूब कर रास्ता पार करते दिखे।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियां हुई हैं। सड़कों पर भारी बारिश का असर दिखा है। पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी बह रही हो। इस दौरान कई लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर सड़क पार करते दिखे। भारी बारिश की वजह से वहां नदी नाले भी उफान पर हैं। भारी बारिश से खेतों में भी पानी भर गया है। तो कांकेर छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो लोग परेशान हैं, जिन्हें अपने ज़रूरी कामों से घर से बाहर निकलना है, हाथ में छाता लिए कोई लोग रेनकोट पहने निकले तो हैं, लेकिन जिस तरह से ये पानी उफन रहा है, ये भी कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। बिहार के किशनगंज की तस्वीरें, जहां भारी बारिश की वजह से रतवा नदी पर बना एक पुल बह गया है। पुल बहने की वजह से वहां रहने वाले लोगों को परेशानियां हुई हैं। बताया गया कि सिर्फ इसी पुल के सहारे वहां रहने वाले लोग नदी पार किया करते थे। पुल बहने के बाद लोग अब इस नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। इलाके के लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 3 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसमें डूबने से 3 भाइयों की मौत हुई है। भारी बारिश की वजह से निचले इलाके के कई मकानों में पानी भर गया है। और दिल्ली में आज सुबह सुबह हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि अभी दिल्ली में मानसून नहीं आया है, लेकिन आज सुबह हुई तेज बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी सुबह बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि बारिश की वजह से सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर हुई। बारिश का असर ये हुआ है कि जगह जगह जल भराव हो गया है और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। इस वक्त मैं बारामूला की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, हम यहाँ से तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो कितना सड़क पर पानी भरा हुआ है, वाहनों की गति थम गई है और बारामूला पर एक लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि सुबह बारिश हुई थी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और उसके बाद सड़कों का हाल देखा जा सकता है। आपको बता दें कि अभी जो मौसम है, फिलहाल धूप निकली हुई है, लेकिन बारिश के बाद का असर ये हुआ है कि यहाँ सड़क पर पानी भर गया है और जो गाड़ियों के पहिए हैं वो आधे कम से कम डूब रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से लोग निकलने को मजबूर हैं। तो ये पहली बारिश है। हालांकि अभी मौसम विभाग ने ये नहीं बताया है कि मानसून है या प्री मानसून है, लेकिन जो बारिश आ रही है उसका असर साफ तौर पर सड़कों पर देखा जा सकता है, किस तरह से ट्रैफिक लगा हुआ है। हालांकि अभी मौसम कुछ ठीक है, धूप निकली हुई है, सुबह बारिश की वजह से तापमान यहाँ वाटर लॉगिंग साफ देखी जा सकती है। और इधर कोरोना के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 14,821 मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 445 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 13,699 हो गया है। अब तक देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 4,25,000 के ऊपर हो गए हैं। देश के ज़्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। कोरोना मरीजों की संख्या यहां लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मरीजों की तादाद अब पहुंच गई है 1,32,000 के पार। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना के मामले 59,746 हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना मरीज 59,377 हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 27,000 को पार कर गया है। और पाँचवें नंबर पर राजस्थान है, जहाँ कोरोना मरीजों की संख्या करीब 15,000 है। कोरोना वायरस की कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 22,79,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहाँ मरीजों की संख्या 10,83,000 के पार पहुँच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 5,83,000 के पार है। भारत चौथे नंबर पर है, जहाँ पर मरीजों का आंकड़ा 4,25,000 के पार हो गया। वहीं ब्रिटेन पांचवें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है।